बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, वीडियो जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त आज के 2 बजे हुए हैं, मार्केट तकरीबन 1250 पॉइंट माइनस में है। लेकिन देखें, जो ग्रुप को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, जिन लोगों को, उनको मैंने पहले से ये तस्वीर दिखाई हुई थी सारी के मामलात इस तरह से हो सकते हैं, होने जा रहे हैं। और सब दोस्त जिनसे मेरी बात हुई है बड़े रिलैक्स हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है मैंने मना किया था बड़ी सख्ती से कि ट्रेडिंग जो है वो आग है, आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको ट्रेड नहीं करना। इन्वेस्ट के लिए स्टॉक दिए थे आपको, और वो स्टॉक में मैंने कहा था बिल्कुल वेरी स्लोली इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, कि आप देखें कि डेली या 2 दिनों बाद जैसे ही शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे नीचे आए तो आप थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करें, ताकि आप एक माइंड बना के कि मैं ये 6 महीने की कम से कम इन्वेस्टमेंट या फिर इसको मैं साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अभी आपके सामने जो सिनेरियो बना हुआ, जो मामला चल रहे हैं इस वक्त रशिया और यूक्रेन के मामले को लेके, और रशिया पर जो पाबंदियाँ रोज़ाना बेसिस पे लग रही हैं, उसकी वजह से पेट्रोलियम की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा हाइक हुई है, और इस वक्त हिस्ट्री तारीखी बुलंदी पे है। यानी कि 2008 में इसने टच किया था $128 फी बैरल को, आज ये 130-131-132 डॉलर को भी टच कर चुकी है, और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि ये तकरीबन 160-170 डॉलर तक कम से कम ये जा सकती है, और ज़्यादा 200-210 डॉलर फी बैरल तक जा सकती है क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल। तो दोस्तों बात ये है, ये देखें कि ये जो मामला चल रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, ये वाले, ये आप इनको ईजी ना समझें, रिलैक्स ना लें कि पाकिस्तान में तो ऐसे कोई मामला नहीं हो रहे तो हम क्या करें। ये समझ लें कि ये पूरी दुनिया में मामला चलने जा रहे हैं, और एक सिनेरियो चेंज हो रहा है, और आज आपको मैं ज़बरदस्त किस्म के और इंकशाफात करने जा रहा हूँ, जो आप सुनेंगे आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी और दंग रह जाएंगे कि ये मामला क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये देखें कि कोरोना जब आया, कोरोना के मामला स्टार्ट हुए, एक टाइम ऐसा आया कि पेट्रोलियम की मार्केट ग्राम से नीचे ऐसे आई, इतनी स्पीड से नीचे आई कि एक टाइम आ गया था जब तकरीबन $100 फी बैरल माइनस में चली गई थी मार्केट। यानी कि मार्केट उस पोजीशन पे आ गई थी कि आपको कुएं खाली करने के लिए $100 भी देंगे, साथ एक बैरल पेट्रोल भी देंगे। तो दोस्तों आप ये देखें कि उस वक्त और उसके बाद जैसे जैसे मामला चलते गए बड़ी बड़ी जो किंग पार्टीज होती हैं पूरी दुनिया में, अरब खरबपति जो बैठे हुए हैं, यानी कि बड़े हैवी, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, ये पाकिस्तान के या हम आप लोग तो कुछ भी नहीं है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो दुनिया की इकॉनमी को चला रहे हैं, दुनिया की इकॉनमी को आगे पीछे कर रहे हैं, उन लोगों ने आप ये सोचें कि किस हद तक पेट्रोलियम मार्केट को होल्ड किया होगा। उन्होंने उस रेट पे बुकिंग की, उसके बाद $10 पे $15, $20, $25, $30, $40, $50 तक भी उन्होंने हैवी बाइंग करके होल्डिंग उस वक्त की रखी हुई है। और अब देखें कि इस सिनेरियो पे जब पेट्रोल के, आपके क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस 130-150-170 डॉलर तक जाते हैं, वो वहाँ से यहाँ पे सेलिंग करते हैं, तो उनको किस हद तक मामला तो ऊपर आता। अब आपको समझ कुछ आ रही है कि ये मामला उस वक्त क्यों हुआ, और अब उस चीज़ का साइड इफेक्ट किस पे आ रहे हैं, और कौन लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी एक सोच तलब बात है कि आप देखें कि पेट्रोलियम मार्केट उस वक्त नीचे गई, बहुत ज़्यादा नीचे गई, और उसके रीज़न भी थे, वैलिड रीज़न थे, लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगे थे, सारे मामला थे, उसके वो जो है उसका यूसेज बहुत ज़्यादा कम हुआ था। लेकिन ये देखिए कि ये सिनेरियो पैदा किस तरह किया गया, किस तरह पूरी दुनिया में ये चीज़, हालांकि इतना ज़्यादा क्यूरियस वो चीज़ नहीं थी, लेकिन उसको कितना, किस हद तक उसको ले जाया गया। और अब आज देखें कि उसके राज, उसके मामला सारे ओपन हो रहे हैं कि क्या मामला था, क्या हुआ। अब एक देखें कि जंग स्टार्ट हुई है और पेट्रोल के मामला ऐसे ऊपर जा रहे हैं कि ये समझ लें कि एक टेरिबल, खौफनाक चीज़ है ये वाली। तो दोस्तों दूसरी बात आपको मैं ये बता दूँ, अब पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज होने जा रहा है। वो किस लिहाज से कि अमेरिका की जो सल्तनत थी, अमेरिका का जो रोब दबदबा पूरी दुनिया पे,
अमेरिका का यूरोप का उसकी छुट्टी होने जा रही है, वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त रशिया नहीं टलेगा। वो बहुत चीज़ इस पे टल गया है कि मैंने अगर ये इन्होंने मेरी बात ना सुनी, बात ना मानी, हमारे मामला तय ना हुए तो मैं पूरे यूरोप को उड़ा दूंगा, अमेरिका को उड़ा दूंगा। उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धमकियाँ दी। और दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, एक अमेरिका का और चाइना का, जो कि एक सुपर पावर की दौड़ है, उसमें चाइना का जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक होता जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका के डसे हुए सारे उस ब्लॉक में आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि यूएई करंटली आया, जिसको ग्रे लिस्ट में एंटर किया गया, वो आ गया है। उसके बाद रशिया और चाइना की पल पल मीटिंग हो रही है, क्या करना है, क्या मामला आगे चलने हैं। पाकिस्तान भी, उसने इमरान खान ने कल की तकरीर में साफ झंडी दिखा दी अमेरिका को कि अब मैं अमेरिका के कैंप में नहीं बल्कि रशिया और चाइना के कैंप में बैठूंगा। कोई ड्रोन आए, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो बरतानिया का हो, चाहे किसी भी मुल्क से आए, उसको एयरफोर्स को कहूंगा कि उसको उड़ा दो। तो दोस्तों ये देखो कि ये सिनेरियो कैसे बदल रहा है। ये आपका डेली बेसिस के हिसाब से बदल रहा है। ऐसे दुनिया चेंज हो रही है कि अमेरिका और यूरोप इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ में है, खौफ से बैठे हुए हैं कि क्या बनेगा। उसकी वजह कि रशिया पे पाबंदियाँ लगने की वजह से पेट्रोलियम प्राइस हाइक हो रहे हैं, वो किसी को पेट्रोल नहीं दे सकता, गैस नहीं दे सकता, तो इतना बड़ा यूजेज था उसका, कहाँ से वो पूरा करेंगे। ईरान में पहले ही उसको बैन किया गया है, वो पेट्रोल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मामला नहीं चला सकता, और अमेरिका इतनी जल्दी उससे पाबंदियाँ उठा नहीं सकता। तो दोस्तों ये देखें कि ब्लंडर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि चेंजिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं ये वाले। और दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि एक क्लियर बात जो आपको बताने जा रहा हूँ कि कल भी इमरान खान ने तकरीर में ये बात भी बताई कि 23 मुल्कों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके एम्बेसडर ने उनको बाय कॉल, बाय लेटर्स और मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए कहा कि खुदारा आप रशिया का दौरा ना करें और इनको वोट आपने नहीं देना। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने क्लियरली उनको कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इनको वोट देंगे। दूसरे नंबर पे एक चीज़ उन्होंने क्लियर ये कराई कि आप देखें जरदारी के दौर में और नून लीग के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए, धड़ाधड़ इधर से आ रहे थे, 400 से ऊपर ड्रोन हमले हुए और बहुत ज़्यादा उसमें इतने बंदे मरे, पाकिस्तानी हमारे अपने, हमने सेक्रीफाइस करके ये सारे कुछ मामला किए। 80,000 से ऊपर बंदा लगा लें, 1,00,000 बंदे के करीब करीब की शहादतें हुई, बताएं उसका जवाबदेह कौन है, कोई नहीं है। असल में जो हमारी पिछली हुकूमतें थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि वो कठपुतली बनी रही कि उनकी प्रॉपर्टियां, जायदादें सारी बाहर के मुल्कों में थी। अगर वो उनसे कोई रोकते, उनसे कहते कि ये काम नहीं करना, आपने ड्रोन नहीं फेंकना, तो उन्होंने उनकी जायदादें भी जब्त कर लेनी थी, उनकी हुकूमत को भी ख़तरा आ जाना था, 100 मामला तो होने थे। लेकिन इस वक्त इस गवर्नमेंट को हम एक जुर्रत का सल्यूट करते हैं कि इसने एक जुर्रतानदाना अंदाज में एक ऐसा, उसने एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हम लोग मुनाफ़कत से नहीं चलेंगे, कि उसको भी रखें साथ, उसको भी रखें और दोनों की तारीफ़ें करते रहें और साइड कोई ना एक लें। एक साइड क्लियर होनी चाहिए ताकि पता चले दूसरों को कि ये अब ये क्या मामला होने जा रहा है। तो दोस्तों ये अब पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, महंगाई का तूफ़ान बरपा हो जाएगा। आप इतनी महंगाई हो सकती है पूरी दुनिया में कि आपकी सोच भी नहीं होगी वो वाली। उसकी वजह है कि ये कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स और साथ ही उसके एक बड़ा इवेंट था, साथ एक बड़ा इवेंट साथ अटैच हो गया, जंग का वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, इसका भी बहुत बड़ा क्राइसिस। और इसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्राइस, क्रूड ऑयल, कमोडिटीज़ देखें, पूरी सारी बढ़ रही हैं। इसमें गोल्ड प्राइसेस कहाँ पे चले गए हैं, कॉपर, आयरन, सिल्वर, वीट, सोयाबीन, यानी कि कोई भी आप देख लें जो कमोडिटीज़ है वो स्टेबल या नीचे नहीं है बल्कि हाई प्राइस पे। फूड में भी बहरान पैदा हो सकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि इसमें हर चीज़ आप देख लें कि कुकिंग ऑयल वगैरह ये वो कोई चीज़ भी जो हम इम्पोर्ट करते हैं तो वो महंगी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इधर तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होंगे। तो दोस्तों ये बात है, इसी वजह से देखें कि ये सारे के इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट पे आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये टेम्परेरी होंगे कि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या महीने के। इसीलिए देखें मैं आपको बार बार तकीद कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग को छोड़ दें, अपनी जितनी आपकी आइटम्स थी जो प्रॉफिट में थी या बराबर में भी थी उनको सेल कर दें, सेल करके अपना हैंड फ्री करें, फ्री करने के बाद जैसे जैसे आपको डिप पे चीज़ें मिलती हैं वो लें।
आप छोटे छोटे पैकेट्स में, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट का 1%, 2%, 3% आप एक दिन बाय करें, फिर दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा करके करें। आप देखिएगा, आप ऊपर वाले रेट भी आपके जब आपने बाय किए होंगे, जब आप नीचे बाय करते जाएंगे वो भी रेट आपके नीचे आते जाएंगे और एक एवरेज आपकी बड़ी ज़बरदस्त बनती जाएगी। ये वाला वक्त मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए लकी पीरियड है, जिसका के सालों से लोग इंतज़ार करते हैं। जो इन्वेस्टर जिनके पास पैसा होता है, फ्रेश बाइंग होती है, और नए इन्वेस्टर्स के लिए भी, बिगिनर्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में एंटर होने का यही वक्त। ये डरने का वक्त नहीं है, इसमें बाय करने का, इन्वेस्ट करने का वक्त। इन्वेस्ट होती है जब मार्केट गिरी हो, आपको एक चीज़ 100 रुपये वाली 50 रुपये में मिल रही है, एक चीज़ जो 10 रुपये में है वो आपको 3 रुपये में मिल रही है। जिसने अपने असल रेट पे जाना ही जाना है, तो आप इस रेट पे अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपके 3-4-5 गुना भी पैसे हो सकते हैं। ये चीज़ है दोस्तों, इन्वेस्टिंग की पावर है, जिसमें आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग बनती है, आपके पैसे से पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम होता है। तो ये चीज़ को आप मद्देनजर रखें, देखें, सोचें, और जिस तरह आपको मैंने कहा हुआ है, आप जो स्टॉक्स दिए हुए हैं उनमें आप बाइंग करें, डिप में बाइंग करें, और इंशाल्लाह ताला आप बेहतर चलेंगे। तो दोस्तों आज की देखते हैं मार्केट किस पॉइंट पे क्लोज होती है, और पेट्रोलियम की मार्केट पे, कॉमोडिटीज़ पे आप भरपूर नज़र रखें। इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपकी मार्केट अभी चलेगी, जैसे ही कुछ स्टेबल होगी। पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हैं, ये जो छोटा मोटे मामला चल रहे हैं, जो इंटरनली जो अदम एतमाद की तहरीक है या दूसरे तीसरे जो अपोजिशन वगैरह, ये सारे मामला तो एक रूटीन के मुताबिक हो रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में सारी पार्टियों ने अपनी कंपेन करनी है। हमारी मार्केट को सिर्फ इंटरनेशनल इश्यूज़ की प्रॉब्लम है, नेशनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा काउंट नहीं करते। बाकी रहेगी बात जो ये मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है 8th of March को, वो भी एक्सपेक्टेड है, कितना ज़्यादा रेट हाइक नहीं किया जाएगा, अगर थोड़ा बहुत बढ़ाया भी गया तो मजबूरी होगी ये वाली, लेकिन वो इतना काउंट नहीं करेगा। तो दोस्तों रिलैक्स हो जाएं, ज़्यादा टेंशन ना लें, और इसीलिए मैंने कहा था कि आप ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टिंग करें और रिलैक्स होकर अपने दूसरे मामला करें और खाएं पिएं, इंजॉय करें, कोई टेंशन ना लें। क्योंकि आप इतने रिस्की मामलात में अगर ट्रेड करेंगे, काम करेंगे, तो आप कुछ नहीं और कर पाएंगे, सिर्फ यही देखेंगे हमारे पैसे कम हो गए, इधर से हो गए, इधर से हो गए, और कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों थोड़ा आपका वक्त ज़्यादा ले लिया, कल की नई सिचुएशन के साथ, लेटेस्ट सिचुएशन के साथ आपके साथ शामिल होंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपका खादिम, आपका मोहसिन आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।